उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से पेटबुल नस्ल के कुत्ते द्वारा युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। ये युवक रात को खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलने के लिए निकला था, तभी एक कुत्ते ने अपने मालिक के हाथ से छूटकर उस पर हमला कर दिया। ये घटना गोमती नगर इलाके की है। पेटबुल के हमले से युवक को हाथों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक इस पेटबुल कुत्ते का मालिक रात को उसे घुमाने के लिए घर के बाहर लेकर निकला था। इसी दौरान इस कुत्ते ने मालिक के हाथ से छूटकर सैर के लिए निकले युवक प्रचाल मिश्रा पर हमला कर दिया। प्रचाल ने खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन पेटबुल उसे नोचने खाने के लिए आमादा था। वहीं कुत्ते का मालिक भी खड़े होकर तमाशा देख रहा था। उसने भी अपने कुत्ते को संभालने की कोशिश नहीं की। युवक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने लाठी डंडे मारकर कुत्ते को अलग किया, तब जाकर प्रचल की जान बचाई गई। पेटबुल कुत्ते के हमले से प्रचल के हाथों में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे फौरन गोमती नगर के एक सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद प्रचल को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं पीड़ित ने इस मामले में गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पेटबुल कुत्ते के मालिक को पहचान करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।